एडवोकेट राकेश राठौड़ और ओबीसी वीजेएनटी और पिछड़ा जाति संघ से मैं बिलोंग करता हूँ। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमने एनपीआर सीएए और एनआरसी ये जो काला कानून लाया है केंद्र शासन उसके विरोध में हम लोगों ने 15 फरवरी को आज़ाद मैदान में एक महामोर्चा का आयोजन किया है जिसमें संपूर्ण महाराष्ट्र से लोग शिरकत करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी बंजारा पारधी बारा बलूतेदार बारा पगड़ जाति हैं ये सारे लोग उसमें शामिल होने वाले हैं और हम ये मोर्चा में हमारे सरकार को निवेदन देना चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी के राज्य पंजाब राजस्थान बंगाल केरला इन्होंने जो जैसे रिजोल्यूशन पास किया है उसी रिजोल्यूशन के आधार पे महाराष्ट्र में भी रिजोल्यूशन पास करें और एनपीआर को लागू होने से महाराष्ट्र में रोके। ऑर्गेनाइजर जो है ये सब नॉन पॉलिटिकल्स हैं, जितनी उसमें बहुत सारी मुस्लिम एनजीओज हैं, बहुत सारी हमारे ओबीसी भाइयों की एससी और एसटी भाइयों की एनजीओज भी इसमें शामिल हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि महाराष्ट्र में जो तीन बड़ी पार्टियां जिनकी हुकूमत है शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो खुद या उनका कोई नामजद किया हुआ नुमाइंदा वहाँ शामिल हो और इस बात की हमको यकीन दहानी कराए कि महाराष्ट्र के अंदर ना सीएए लागू होगा ना एनआरसी लागू होगा ना एनपीआर लागू होगा और ये यकीन दहानी इस तरह से होनी चाहिए कि असेंबली के फ्लोर पर ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करके हमको यकीन दहानी कराई जाए। ये राठौड़ साहब, मेरा नाम मौलाना महमूद दरियाबादी, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा काउंसिल का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी थी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सीएए कानून लाई है और जो उसके आगे एनआरसी और एनपीआर लाने वाली है उससे इस मुल्क के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी सिटीजनशिप खतरे में पड़ सकती है। उसमें ओबीसी एसटी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ये सारे लोगों की सिटीजनशिप खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमें चाहते हैं, हम लोग इस तरह के तमाम कानूनों का विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा 15 तारीख को 15 फरवरी को आज़ाद मैदान में 2 बजे से 5 बजे तक होने जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर शामिल हों, सारे लोग शामिल हों, हर समाज के लोग शामिल हों और उसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं। उसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम भी हैं, ओबीसी एसटी के लोग भी हैं, एससी के लोग भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, सारे लोग उसमें शामिल हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी सिलसिले में हमने की थी और हम आपके ज़रिए ये बात पूरी तरह फैलाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि 15 तारीख 15 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों। और हम जो मोर्चा कर रहे हैं वो अपने हक के लिए आ रहे हैं, वो देश के संविधान को बचाने के लिए हैं और एस सी एस टी ओबीसी के भाइयों के हमदर्दी के लिए कि हम सब मजलूम एक साथ हैं। ये आवाज़ किसी धर्म के लिए बल्कि मजलूमों की आवाज़ मिल रही है। हम सब मजलूम जो है, हम सब संविधान के बचाने वाले लोग हैं, एकदम देश के संविधान को बचाने वाले लोग हैं, एकदम देश के संविधान को तोड़ने वाले लोग, एकदम मजलूम लोग हैं, एकदम जालिम लोग हैं। अशा प्रकारे हा कायदा संबंध देशामध्ये राबवायचा आणि एकमेकांमध्ये द्वेषाचं वातावरण देशामध्ये निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे। आपण पाहतोय की देशभर हे वातावरण आहे, नफरतीचं वातावरण आहे।